जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, इनके लिए कितनी छुट्टी मिलती है वन ईयर में, एक साल में छुट्टी कितनी मिलती है, कौन कौन सी छुट्टी मिलती है, सीएल कितने होते हैं, ईएल कितने होती हैं, पैटर्निटी लीव कितनी होती है, मदर लीव कितनी होती हैं और मेडिकल लीव कितनी मिलती हैं, स्पेशल छुट्टी कितनी मिलती हैं, कब कब क्या क्या मिलती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कितने दिन का अवकाश ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं विदाउट पेमेंट के, क्या क्या कितने समय के लिए ले सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब की आएगी, उससे पहले आपको मैं बता दूंगा, कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में बताऊंगा। आपको यदि मतलब कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप कोई डाउट पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, छुट्टी के बारे में बताते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में कोई भी आप अदर एग्जाम मतलब अदर गवर्नमेंट जॉब की लीजिए, स्टेट हो चाहे केंद्र, तो उसमें दो तीन प्रकार की छुट्टी होती है। कैसे कैसे? एक होती है सीएल, सीएल मतलब कैजुअल लीव, कैजुअल लीव, और एक होती है ईएल, ईएल मतलब अर्निंग लीव। अर्निंग लीव होती है, दो प्रकार की लीव होती है, मेनली दो प्रकार की लीव होती है, फिर अदर लीव होती है। तो इन्हीं का सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम दिल्ली पुलिस के लिए बता रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस में होती है कि सीएल है जो कितनी होती है, सीएल 15 दी जाती है। 15 दी जाने का मतलब है कि आप इनको कभी भी कैजुअल मतलब की के आकस्मिक कभी भी ले सकते हैं, एक दिन, दो दिन, चार दिन, मतलब इसमें एक दिन भी ले सकते हैं, चार दिन भी ले सकते हैं, पूरे इकट्ठे 15 भी ले सकते हैं और 12 वाले ले सकते हैं, 10 जितनी भी चाहिए ले सकते हैं। एक साल के लिए तुम्हारे लिए कितने 15 सीएल है, ठीक है। अब बात करें ईएल की, तो आपकी ईएल है कितनी, 30 ईएल है। 30 ईएल मतलब अर्निंग लीव कितनी है, 30 है। आप एक साल में 30 ईएल ले सकते हैं, वो भी डिवाइड करके रखा होता है कि आप जो एक मतलब 6 महीने के लिए 15 ईएल ले सकते हैं और अगले 6 महीने में 15 ईएल ले सकते। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे पहले जनवरी हुए, जनवरी में आप इकट्ठे 30 ईएल ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। ईएल सीएल क्या बताया, सीएल तो जब चाहे आप पूरी इकट्ठी ले लो, आप चाहे एक लो चाहे पूरी ले सकते, लेकिन ईएल में क्या होता है, ईएल आपको मतलब कि हर 30 है ना आपकी, तो हर महीने में बराबर डिवाइड हो जाती है ईएल का, एक कंडीशन रहती है। अब ईएल की बताया जैसे 12 महीने है, 30 है तो 12 दूनी 24 और 12 मतलब 12.5, तो आपको एक महीने में 2.5 छुट्टी समझ लीजिए आप। ईएल जो आप एक महीने की कितनी होगी, 2.5। अब 6 महीने कितनी होगी आपकी, 15, और 12 महीने कितनी होगी, 15, और बाद 6 महीने चलेगी 15, तो 6 महीने बाद ही पूरी इकट्ठी 15 ले सकते हैं अगर पहले ना लें तो, ये जरूर ध्यान रखिए। तो ईएल होती है, ईएल आपको इकट्ठी मिलती है, ऐसी नहीं कि एक दो नहीं मिलती है, ईएल 5 से ज्यादा ही लेनी पड़ेगी आपको, 5 या 10 15 20 ए ईएल होती है, ईएल ऐसी मिलती है, ठीक है। ये होगी आपकी। हम बात करें मेडिकल लीव की, तो मेडिकल लीव क्या होती है, 1 मंथ होती है, यानी 30 दिन के लिए होती है। दिल्ली पुलिस में मेडिकल लीव है 30 दिन के लिए, आप जैसे कभी बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो आपको मेडिकल लीव के लिए दी जाएगी। आप कभी भी अपने जो भी हैं इंस्पेक्टर हैं या SHO हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए मैं इस प्रकार से बीमार हूँ, तो मेडिकल लीव के लिए भी होता है कि आपको मेडिकल बनवाना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मतलब MBBS डॉक्टर होते हैं उनसे आपको क्या बनाना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि मैंने इस दिन दिन के लिए इनको रेस्ट के लिए कहा था, ये बीमारी थी, इसके लिए आपको मेडिकल लीव बनवाना पड़ता है, मेडिकल फाइल जमा करना पड़ता है, तो उसमें मेडिकल लीव मिल जाती है। स्पेशल लीव ऐसी होती है कि जो भी कोई भी दो होती हैं RH, RH मतलब कि आप कोई भी त्यौहार पर आप 2 छुट्टी ले सकते हैं। तो ये जरूर जितनी मैं छुट्टी बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको ये होता है कि जब आपके स्टाफ के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे नहीं कि पूरी मिल ही जाएंगी, स्टाफ के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका स्टाफ है मतलब आपके पूरा कंप्लीट स्टाफ है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, मान लो कभी स्टाफ कम है तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो बताएं अब बताएं हम आपकी बात, आपको मेडिकल मेडिटरी लीव, ठीक है, मेडिटरी लीव बताएं कैसी होती है कि जब कोई मतलब की लड़की है जब वो माता बनती है तो उसके समय उनको मतलब की 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, 6 महीने की छुट्टी ले सकती है वो, मेडिटरी लीव में होता है 6 महीने की छुट्टी, 2 बच्चों के लिए होता है केवल, कि 2 बच्चे होंगे तब 6-6 महीने की छुट्टी उनको मिल सकती है। फिर इनके बाद एक और जिनको छुट्टी मिलती है उनकी केयरिंग के लिए, केयरिंग के लिए कितने 2 साल की छुट्टी मिलती है, केयरिंग के लिए कितने 2 साल की मिलती है, 18 जब तक कोई बच्चे तुम्हारे 18 साल तक की नहीं होंगे तब तक के लिए 2 साल तक की मिल जाती है, ये होती है इनकी मेडिटरी लीव। अब पैटर्निटी लीव क्या होती है, जब कोई व्यक्ति है जो पुरुष है जो पिता या पिता बनता है
तो उनके लिए देखभाल के लिए 2 महीने की छुट्टी मिलती है, दो बच्चों के लिए मिलती है 2 महीने की छुट्टी, जरूर ध्यान रखिए, पेटेंट रिलीफ होगी। अब आगे बात करें हम किस चीज के बारे में, आगे हम बात करें कि अब जो आपके लिए एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाई के लिए स्टडी के लिए छुट्टी मिलती है, तो 2 साल की छुट्टी मिलती है विदाउट पेमेंट। कभी भी आप जाके जैसे जो ट्रेनिंग के बाद, पहले नहीं मिलेंगे आपको, जरूर ध्यान रखिए, ट्रेनिंग हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि 2 महीने 2 साल के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं किसी विदाउट पेमेंट के लिए, कि आप वहां से अप्लाई कर दीजिए, आपकी पेमेंट नहीं आएगी, आपको 2 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से अपनी जो है मतलब जिनकी तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं वहीं से वेतन आपकी शुरू हो जाएगी जब से ज्वाइनिंग करेंगे, ये हो जाता है इसमें। यही हर अधिकतम फोर्सों में ये होता है कि आप 2 साल तक के लिए क्या ले सकते हैं, एजुकेशन लीव ले सकते हैं, उसमें विदाउट पेमेंट की बात होती है। फिर जब 2 साल हो जाएंगे ना आपके, फिर आप क्या कर सकते हैं, जिनकी तो ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर जब ज्वाइनिंग करेंगे वहां से आपकी वेतन शुरू हो जाती है, चाहे SSF हो चाहे NCB हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ऐसी अदर हर में अलग अलग सुविधा होती है, किसी में कम 1.5 साल होगी, किसी में 2 साल होगी, सब में ऐसा ही होता है। तो इनकी छुट्टी के बारे में ठीक है, अब और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि किसके बारे में आप वीडियो बनाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।